बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां थाना जरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महिला का अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने 18 दिन बाद किया खुलासा। मृतका मीनू का सगा भाई ही निकला हत्यारा। आरोपी भाई ने बहन मीनू को मरवाने के लिए हत्यारों को दी थी 10 लाख रुपए की सुपारी। चलती कार में पूरे परिवार को मारने की सुपारी दी थी हत्यारे भाई ने। मृतक बहन मीनू के द्वारा साल 2007 में दूसरी शादी किए जाने से बेइज्जती महसूस कर रहा था आरोपी भाई। मृतक मीनू का परिवार कानपुर नगर के बर्रा इलाके का रहने वाला है। चित्रकूट ले जाने के बहाने परिवार मारने की फिराक में था आरोपी भाई। चित्रकूट जाते समय मृतक महिला को कार से मार कर फेंका था हमीरपुर जिले के थाना जरिया इलाके में। आरोपी भाई को थाना जरिया पुलिस ने गोहान तिराहे से किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने पीसी कर किया मामले का खुलासा। 21-22 सितंबर को की रात में थाना जरिया में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना जरिया पर मुकदमा लिखा गया था। उसमें वादी द्वारा बताया गया था कि ये लोग कानपुर से चले थे 4 लोगों के साथ, और रास्ते में पति को मारने का प्रयास किया गया था, बच्चे को मारने का प्रयास किया गया था, और पत्नी और उसकी बेटी को लेके चले गए, अपहरण करके चले गए हैं। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा लिखा गया था। बच्ची को, जो वादी था, उसकी बच्ची को सकुशल बरामद किया गया था, और उसी समय जो इस घटना में शामिल जो गाड़ी थी उसको बरामद किया गया। ड्राइवर को से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया, ड्राइवर की निशानदेही पर ही महिला का शव भी बरामद किया गया था। उसके बाद काफी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आज फाइनली इस घटना में, जिस घटना का मोटिव और इस घटना को किसके द्वारा रचा गया था, उस सबका खुलासा हुआ है। इसमें जो मृतका है उसका सगा भाई धर्मेंद्र सिंह निवासी थाना अकबरपुर कानपुर देहात, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई। धर्मेंद्र सिंह जो मेन इसमें अभियुक्त है, उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतका थी ये 2011-12 के बीच जो जिसमें वादी थे सूरज सिंह, ये धर्मेंद्र के पत्नी के भाई लगते थे, उनके साथ ये पहली शादी को तोड़ के चली गई थी, जिससे इन लोगों को बहुत ही गुस्सा था अपनी बहन से, और बहन का पिछले 2-3 साल से इनके गांव में आना जाना शुरू हो गया था, जिस बात से इनको बहन पर गुस्सा थी। तो ये पिछले 1.5-2 साल से अपनी बहन से बदला लेने की फिराक में थे। फाइनली पिछले 1.5 साल पहले किसी के थ्रू ये चतुर सिंह के संपर्क में आए, चतुर सिंह और वीर सिंह के संपर्क में, और इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। फाइनली फिर 21 और 22 सितंबर को इन्होंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें इन्होंने महिला की हत्या कर दी। कितने लाख रुपए में सुपारी दी गई थी मारने की? जो अभियुक्त के द्वारा बताया गया है, इनका ये डिसाइड हुआ था कि अगर ये पूरे परिवार को खत्म कर देंगे तो इनको 10 लाख रुपए वादी इसके अब धर्मेंद्र सिंह के द्वारा चतुर सिंह को दिए जाएंगे।